पवित्र सावन माह के चौथे सोमवारी के मौके पर विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार की अहले सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचकर भगवान शिव की आराधना में जुट गए थे। इस दौरान भक्तों ने श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसी क्रम में जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी उसरी नदी के तट पर स्थित दुखरन नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। भक्तों ने बोल बम के जयकारे के साथ बाबा दुखरन नाथ का जलाभिषेक किया। वहीं दूसरी ओर जिले के राजधनवार प्रखंड स्थित झारखंडी धाम में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सावन की चौथी सोमवारी होने के कारण करीब 10,000 से अधिक भक्तों ने झारखंड धाम पहुंचकर जलाभिषेक किया। पंडित जी का जीवती अगला सोमवारी के एक लड़का डूब गया था। कृपया विनती है सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी शिव भक्तों को। और आज चौथा सोमवारी है सावन का और भक्तों का कतार लगा हुआ है और उत्तर वाहिनी गंगा है, वहां से जल लेकर के बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं। और इनका नाम बाबा दुखरन नाथ है, यहां दुखों का निवारण होता है और बहुत काफी श्रद्धालुओं का आस्था और श्रद्धा जुड़ा हुआ है। और सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महादेव। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि युवक युवतियां
नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सके। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।